नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण के तहत इस वक्त वोटिंग जारी है और इस बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इरफान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के नेता चौधरी फवाद हुसैन का एक ट्वीट सुर्खियों में है। उन्होंने एक बार फिर से भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर एक टिप्पणी की है। इस बार उन्होंने केजरीवाल की एक फोटो पर जवाब देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करें, लेकिन उनका ऐसा लिखना उन्हें भारी पड़ गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। आपको बता दें कि उन्होंने ये जो कमेंट किया उसको अरविंद केजरीवाल ने किस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। अरविंद केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके, एक और ट्वीट उन्होंने किया। उन्होंने भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है, आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजक का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्लास लगा दी अरविंद केजरीवाल ने फवाद चौधरी की। आपको बता दें कि इसके पहले फवाद चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर भी एक तरह से उनकी तारीफ करते हुए एक्स पर कुछ लिखा था, जिसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। ठीक वही बात आज जब उन्होंने उसी तरह की बात जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए लिखी तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत पलटवार करते हुए उनकी क्लास लगा दी। आपको बता दें कि इसके पहले अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने खुद यह बात बताई कि उनकी माताजी की तबीयत चूंकि बहुत खराब है इस वजह से वह वोट डालने नहीं जा पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, बेटा और उनके पिता, इन सब ने यानी परिवार के 5 लोगों ने वोट डाला। उन्होंने एक्सपर्ट लिखा कि मैं अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डालने पहुंचा। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला है, आप भी वोट डालने जरूर जाएं। पिताजी, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं और मेरी मम्मी आज ही यहाँ पर महंगाई के खिलाफ और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ। अरविंद जी, क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल, क्या है क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल? सर, अरविंद सर क्या बोलेगा? मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत। बता दें कि दिल्ली की 7 सीटों के लिए आज वोटिंग चल रही है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद किसके सर पर सजेगा ताज? मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में कितना हुआ विकास? बिना बात को घुमाए द खबरदार न्यूज आपको दिखाएगा हकीकत। इसमें है जनता का भरोसा, कौन करेगा देश पर राज?